अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन का एक सिस्टम, और इस जगह पर, इस हाइट के ऊपर, जब हम 16,000 फुट से भी ऊपर हैं, इस हाइट के ऊपर जो है, अगर आपका 4G चल रहा हो, 3G चल रहा हो, तो इसका मतलब है आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एफर्ट कर रहे हैं, या आपने कुछ ऐसा किया है कि दुनिया उसको अब तस्लीम करे या माने। जो गोरे आते हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं सेटेलाइट के, जिनके जरिए से वो रबते में रहते हैं, लेकिन अगर उनको यहाँ पे 4G और 3G मिलता है तो फिर यहाँ से तस्वीरें, पिक्चर्स, वीडियोस अपलोडिंग में, आपने देखा होगा अली सतपारा के बेटे जो हैं वो यहाँ से लगातार अपडेट कर रहे थे, तो वो ऐसे ही कर रहे थे ट्विटर के ऊपर कि यहाँ पे वो सामने आपको जो कैंप नज़र आ रहा है वहाँ पे, और एक टावर भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये बड़ा शानदार काम किया है SCO ने, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने यहाँ नहीं बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, यहाँ पे आपको पता है कि जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इवन कश्मीर में भी दोस्त बता रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ये देखती हैं कस्टमर कितने हैं, कंज्यूमर कितने हैं, फिर वहाँ टावर लगाती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आबादियाँ बहुत कम हैं, लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, तो कंपनीज़ के लिए कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं थी और उनके साथ कोई इस तरह का एग्रीमेंट भी नहीं था, लिहाजा यहाँ पर वो हेजिटेट करते थे, सवाए स्कर्दू के अंदर कहीं सिग्नल आते हैं या गिलगित में कहीं सिग्नल आते हैं या कुछ और हुंजा में आ जाते हैं, लेकिन बेशतर एरिया तो उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर कश्मीर में, इवन यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में और इन पहाड़ों के ऊपर भी फिर जिम्मेदारी जो है वो पाक फौज की थी, और उनका एक डिपार्टमेंट है स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यहाँ पे 3G और 4G का बंदोबस्त किया है। तो ये शानदार है, ज़बरदस्त।